हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक रेसिपी के नए तड़के के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं भेलपूरी, वो भी कच्चे सरसों के तेल के साथ। तो चलिए मेरी रेसिपी में मेरे साथ बने रहें और मेरी रेसिपी को अंत तक देखें। सबसे पहले मैंने भेलपूरी को बनाने के लिए लगभग 3 कप भेल ले लिए हैं, जिसे कोई कोई मुरमुरे भी कहते हैं और भी कुछ नामों से जानते हैं। तो चलिए मैंने भेल ले लिए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। मैंने इसे भेल पर बहुत अच्छे से फैला लिया। तो चलिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ लगभग 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर। वन टेबल स्पून पीनट, मूंगफली के दाने। 1 टेबल स्पून सेव नमकीन। 1 टेबल स्पून मीठी नमकीन, इसे आप आसानी से मार्केट से ले सकते हैं। लगभग 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। लगभग 2 टीस्पून टोमेटो सॉस। 2 नींबू के रस। 1 बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ बिल्कुल नया तड़का। जी हाँ, 2 टीस्पून कच्चा सरसों का तेल। लगभग 1 टीस्पून भेलपूरी मसाला। इस मसाले को आप भी घर पर बना सकते हैं। तो चलिए मैं अच्छे से सबको मिक्स कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं भेलपूरी मिक्स हो चुकी है। अब मैंने इसमें डाल दिया लगभग 1/2 टीस्पून नमक, जिसे मैं डालना भूल गई थी। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मेरी भेलपूरी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी भेलपूरी कितनी मज़ेदार लग रही है। आई होप आप सभी को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट द हिट बेल आइकन। थैंक यू सो मच।